अहिंसा को बारीकी के साथ पालन करने वाले साधु अपने संग सहित इस वर्षा युग में एक स्थान पर रहा करते हैं। कोई भी साधु को हमेशा नदी की भांति एक स्थान पर न रुक करके चलता रहना ही अच्छा माना जाता। इसके उपरांत भी चूंकि वर्षा काल में आवागमन के समय पर विहार के समय पर सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जंतुओं का उत्पादन हो जाता है और धरती इससे आकीर्ण हो जाती है। ऐसी स्थिति में दया को पालन करने वाले थे मुनिराज साधु संत श्रावण और भाद्र पर आस्ते न रुकाते इस प्रकार चार मास तक लगभग अपना विहार काल को रोक करके एक स्थान पर रहा करते हैं। भारतवर्ष में एक क्रिया ऐसी है जैन ही नहीं किंतु जैनित्रों में भी संतों का यह क्रिया देखने में आ जाती है। श्रावण भाद्र में भारतवर्ष में यह प्रसत पूज पुरुषों का स्मरण करते हुए अहिंसा के बारे में सत्य के बारे में जीव दया के बारे में परोपकार के विषय में चर्चाओं के साथ ये कार्य संपन्न हुआ करते हैं। ये कार्य गर्व हो जाता है। आज आवागमन की अपेक्षा से देखते हैं तो सुबह का व्यक्ति शाम को विदेश में मिलता मध्यान्ह में भी मिल सकता यदि द्रुत गति से यहाँ आ जाते हैं तो यह दृष्टि यहाँ पर नहीं है किंतु वाहन उपलब्ध होते हुए भी सुविधा होते हुए भी जीवों की रक्षा हेतु एक स्थान पर साधु रहते हैं। साधु के साथ साथ श्रावकों का ग्रहस्थों का भी यह अनिवार्य कार्य होता है। वे भी इन दिनों वर्षा दिनों में एक स्थान पर रहा करते हैं। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।